पूरा फेस ने मेरा मेकअप पर डाली, पर खाना नहीं खाई है। जाने कहा मेरा जिगर गया जी रशो। बच्ची को मेरे से छीन नहीं सकता है फिजिकली, तो सोशली उसने छीन लिया। कि इसका जॉब का पहला दिन है आज, होप सो हर चीज अच्छे से कर। हो चुकी हूँ, इसकी मौसी को निकलना भी है। अभी बज रहे सुबह के 8:30 और आज हो गया चमत्कार। चमत्कार क्या हुआ आप लोग को दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। इसकी मौसी आज सुबह सुबह खाना बना रही है, वो भी क्यों मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। इसका जॉब का आज फर्स्ट डे है, बताई थी ना 16 अगस्त को जाने वाली है। तो देखिए आज बनाई हुई है फूटू, मतलब मशरूम, देसी मशरूम की सब्जी वो बनाई हुई है नाश्ते में लेके जाने के लिए। तो खाना वाना सब बना ली, आज तो दूसरा कुछ देखने को मिल रहा है, चमत्कार हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे घर मेरा भी जस्ट अभी नहाना हो गया है, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि इसकी मौसी के रहते रहते ही मैं मंदिर से होकर आऊँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इसकी मौसी भी 10 बजे निकल जाएगी, तो फिर रीशु को लेकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि रीशु को अभी तक नहला ही नहीं हूँ और धूप भी बाहर काफ़ी है। तो इसकी मौसी के पास रीशु को रख के मैं भी जा रही हूँ मंदिर। रोज़ सुबह मंदिर आती हूँ एक अलग सा टेंशन के साथ, जैसे ही मंदिर में एंटर करती हूँ ना, जैसे मानो कि सारा टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है महादेव के सामने। फिर यहाँ से बहुत सुकून और शांति लेके मैं घर में जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ। आज मंदिर में बहुत भीड़ था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, कि मौसी को निकलना भी है। ऋषि को कैसे कैसे करके छोड़ के आई हूँ, ज़्यादा टाइम रुकी भी नहीं मंदिर में, फटाफट पानी डाल तुरंत निकल गई। इतना गर्मी है बाहर, अगस्त के महीने में इंसान बारिश से परेशान रहता है, हम गर्मी से परेशान हैं, जैसे मानो मई जून चल रहा हो। उल्टा पुल्टा चीज करती रहती है। आज तो सुबह सुबह इतना हड़बड़ी हो गया, दूध गर्म करने बिठा देती हूँ रिशु के लिए। अभी दूध गर्म कर रही हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी रिशु का। इसकी मौसी तो सुबह खाना वाना सब चीज बना चुकी है, खाना बनाई है और मशरूम की सब्जी बनाई है। अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता और रिशु का दूध गर्म कर रही हूँ, चाय भी बना के रखी, गरम कर लेती हूँ चाय और टोस्ट। रात को इतना ज्यादा गर्मी लगा, बाबा सोने में इतना प्रॉब्लम हुआ, और हमारा दोनों कूलर खराब है, दोनों कूलर। इतना बार ठीक किए हम लोग कूलर को, इतने बार ठीक किए हैं, मैं क्या ही बताऊ, मतलब कम से कम 3 बार तो ठीक कर ही चुके एक एक कूलर को। समझ भी नहीं आ रहा नया कूलर खरीदे कि कूलर ठीक करे, क्योंकि जितने में कूलर ठीक किए हैं उतने में एक कूलर का आधा प्राइस आ जाता है, इतना पैसा दिए हैं कूलर ठीक करने में। इसकी मौसी केला लेके आई थी, लेकिन केला ना खट्टा खट्टा लग रहा है, नहीं तो मैं बनाना शेक आराम से बना लेती। कल बनाई थी बनाना शेक केला से, पूरा खट्टा खट्टा लग रहा था और दूध भी अजीब सा हो गया था बनाना शेक बनाने के बाद। तो मैं बोली पता नहीं कैसा केला है, समझ भी नहीं आ रहा, तो आज बनाना शेक नहीं बनाऊंगी, आज बस रिशु को दूध गर्म करके पिला दूंगी और सूजी का कुछ आइटम बना के दे दूंगी उसको। कच्चा चाय भी हो चुका है, कचरा वाला आ रहा है अभी। जाने कहा मेरा जिगर गया जी रशो, अभी अभी यही था किधर गया जी, ये भी है किसी के अदाओ पे मर गया जी, मोटी मोटी अखियों से डर गया जी। जा रही है इसका जॉब का पहला दिन, कुछ तो बता कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जोर से बोल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अरे बहुत दूर गाड़ी चला के जाना है, इसलिए जाते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। निकल रही है अभी, चले आओ, मासी जा रही है। सुबह उठी, उठ के खाना वगैरह बनाई, तैयार होकर जा रही है। मासी को बाय नहीं करोगे तो मासी पैसा कमाने जा रही है, जॉब करने जा रही है। बाय कर दो मासी को, बाय बाय। इसकी मौसी चले गई जॉब करने के लिए, इसका जॉब का पहला दिन है आज,
होप सो हर चीज़ अच्छे से करे, समझे कैसा क्या करना है। और आप सब मुझे पूछे थे कि प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है, तो उसका प्राइवेट जॉब है सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक। और मतलब प्राइवेट जॉब करती है तो उसमें कौन से पोस्ट में, तो ऑफिशियल वर्क है। और उसका कंपनी का नाम ही मैं पूछना भूल गई, क्या कंपनी, कुछ रियल इस्टेट ऐसा करके कुछ कंपनी है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो स्टार्ट कर रही है। मौसी सुबह खावा के चली गई अपने ऑफिस में, टिफिन भी लेके गई है, और अभी मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आज वो ऑफिस से आएगी, फिर एक शेड्यूल हम लोग डिसाइड करेंगे कि सुबह कब उठना है, कब क्या बनाना है, किस तरीके से क्या करना है, ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए। पहला दिन है थोड़ा सा हौच-पच हो गया और मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा था रात से, इसलिए मैं लेट से उठी। उठ के देखती हूँ इसकी मौसी सब्जी बना रही है, चावल बना डाली है, दोपहर का लंच। देखो देखो क्या बनाई है रिशु पेन से। अब इसको मैं ये खाना लेके बैठी, इसको खाना खिलाऊंगी। खाना नहीं खाएगी इसलिए रो रही है। जल्दी आओ, वो खाना खाएगी करके मैं इसको ये सब करने दी ताकि थोड़ा सा खाना खा ले। मम्मी आओ, उसको स्केच पेन लाके दी हूँ स्केच करने के। स्केच वो बुक में तो नहीं करती, खुद के बॉडी में और मेरे फेस पे, मेरे हाथ में, हर जगह करके रखती है। आओ खाना खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, जल्दी आओ। देखो 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 खाना ही नहीं चाह रही, खाना जल्दी आओ बेटा। मम्मी खाए, मम्मी को भी नहीं खाना है, रिशु भी नहीं खाएगी। मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। वाव सो यम्मी, दाल चावल है, प्रोटीन से भरपूर है। मम्मी खाएगी और मम्मी ताकतवर बन जाएगी। रिशु तो वीक है, बताओ खाना नहीं खाती। बैड गर्ल, बैड गर्ल हो ना बोल रही है। गुड गर्ल हो, गुड गर्ल भी नहीं हो तो क्या हो। मैं इसको खिला लेती हूँ फिलहाल, अभी देखती हूँ और कितना समय तक खाना लेके बैठी। तो स्केच पेन हाथ में ली, मेरा फेस पक रही, चलो ठीक है कुछ तो खाए। पूरा फेस में मेरा मेकअप डाली, बार खाना नहीं खाई है। शिकायत कर रही हूँ तो रो रही है। ठीक, रिशु ने कुछ भी नहीं किया। आशा ले देखी, बहुत मुश्किल से इसको सुलाई हूँ अभी। क्या है ना कि पता नहीं आज खा नहीं रही, मेरे को लगा शायद नज़र वज़र लगा होगा। बच्चों को तो, बच्चे लोगों को तो नज़र लगता ही रहता है कैसे भी हो, तो इसका नज़र आज उतार दूंगी मैं। और खाना तो थोड़ा सा भी नहीं खाई है, बस 2 चम्मच दाल का पानी पी थी। मेरे मुंह में लिपापोती करे कि मैं सोची चलो ठीक है कम से कम कुछ भी करे खाएगी। तो अभी क्या है ना कि पेंटिंग करना सीखी है, अपने ऊपर पेंटिंग करती है, मेरे ऊपर पेंटिंग करती है। उसको 2 कॉपी खरीद के दी, दोनों कॉपी पूरा गोल 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 अंडा बना बना के दोनों कॉपी भर दी है। कोई बात नहीं, इससे बच्चों का हाथ थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा होता है, सीखते हैं। तो ये हो गया, और मेरी 2 वीडियो डिलीट हो चुकी है। एक जो मैं छोटा सा मेकअप करी थी बर्थडे वाला वो, और रिशो को लेके जो मॉल घूमने गई थी वो, तो दोनों वीडियो डिलीट हो गई क्योंकि इसमें दोनों वीडियो में रिशु थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, और एक जगह नहीं काफ़ी जगह दिखी है। अब से मैं अवेयर रहूँगी, रिशु के साथ कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मेरी वीडियो अगर ऐसी डिलीट होती रहेगी ना तो मेरे चैनल को खतरा हो सकता है। तो ये गलती मुझे नहीं करना है। तो बुरा तो फील होता है मुझे कि मैं अपनी बच्चे के साथ वीडियो नहीं डाल सकती, और थोड़ा थोड़ा आधा आधा सेकंड के लिए भी कहीं दिख जाती है ना, उसमें भी रिपोर्ट हो जाता है। तो बोलिए मतलब क्या ही बोलूँ, बस मेरे मुंह से ना बस गाली निकलता है उस इंसान के लिए। बच्ची को मेरे से छीन नहीं सकता है फिजिकली, तो सोशली उसने छीन लिया कि सोशल मीडिया में बच्चे के साथ कहीं पे भी फ़ोटो नहीं डाल सकती, ना इंस्टाग्राम में, ना फेसबुक में, और ना यूट्यूब में, कहीं पे भी नहीं डाल सकती। चलिए अभी रिशु तो सो गई है, तो जब तक वो थोड़ा सा सो रही है तो मैं अभी थोड़ा सा सो लेती हूँ।
थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि सर दर्द होता है इस टाइम में। क्या होता है कि आधा एक घंटा मैं फ्री रहती हूँ, तो इसकी मौसी होती है ना घर पे, तो कुछ ना कुछ काम हम लोग करते रहते हैं। तो जब ये सो गई है, वो भी आज जल्दी सो गई है दोपहर को, तो जब ये सो गई है तो मैं भी आज सो जाती हूँ। और इसका नज़र आज शाम को मैं ज़रूर उतारूँगी, ज़रूर। मुझे लग रहा है कि नज़र वज़र लगा, क्योंकि खा तो बिल्कुल भी नहीं रही है। चलिए अभी आप सभी को बाय बाय, आप सभी अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहें।